नहीं बाइक सब कर ले भाई, हम बाइक हल्का तो कर ले। एक मिनट पहले आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। थैंक यू। अरे बाप रे, शादी का तो भाई अगले साल, अभी फिलहाल शादी पे मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ काम पे है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है मेरी, पर फिर भी शूट के लिए आना पड़ा मुझे, तो शादी वादी तो दूर की बात है, पहले बस आज का दिन निकल जाए, बस शूट हो जाए अच्छे से। जी जी जी, बहुत सारे, यस यस यस, बहुत सारे। एक्चुअली मेरा 2022 इसी में गया है कि कब 2023 चालू होगा और सारे प्रोजेक्ट्स बाहर आना शुरू होंगे। सो यस, इट्स गोइंग टू बी वेरी बिजी, एंड लकीली एज एन एंटरप्रेन्योर भी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो उसी के लिए आज आई हूँ यहाँ पर। साथ ही एक बहुत न्यूज़ आई है जी, तनुषा शर्मा की। जी जी, मैं सिर्फ बहुत ख़राब लगता है मुझे जब यू नो जब सब मैं देखती हूँ इंटरनेट पे और सब ऐसे एक एक चीर फाड़ करके वो सारी चीज़ों को यू नो बताया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वो इसी चीज़ की वजह से शायद उसने यू नो शी मस्ट हैव टेकन अ स्टेप जहाँ पे उसको पता नहीं है कि आगे उसको क्या करना है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी हर किसी को कि लड़के आते जाते रहते हैं, तुम्हारी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। जितनी हिम्मत हमको ये गलत स्टेप उठाने में लगती है उससे कई कम हिम्मत लगती है हमें जीने में। और अगर हम अपनी दिल की बात अगर किसी को बता सके, जो भी हम जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, कई बार हमारे में हिम्मत नहीं होती है, पर बस वो थोड़ी सी हिम्मत ये स्टेप लेने से अच्छा एक वो स्टेप ले लो जहाँ पे तुम जाके किसी से बात कर लो, आई थिंक वो सबसे बड़ी जीत होगी हम सबके लिए। एंड अब जब जो हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर आई वुड जस्ट वॉन्ट कि सब फैमिलीज जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं वो एक बहुत ही ख़राब वक्त से गुजर रही है, तो हम उनको मतलब जजमेंट्स ना पास करके किसी पे भी कुछ भी ऐसा ना सोच के कि इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है, जो होना था वो तो हो चुका है, बस हमें ये सोचना है कि ये आगे ना हो। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोग देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनसे बात कीजिए और वो डर ना रखें कि वो कभी आके तुम्हें कुछ बोल ना सके। जी जी, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत लाइफ में क्यों ना हो जाए, कितनी भी गंभीर बात लाइफ में क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी फैमिली के पास जाके अपने आप को सरेंडर कर दोगे और बोल दोगे कि भाई इससे आगे मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी क्या है, इससे आगे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई उपाय होगा। डेफ़िनेटली जब तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा है, आई थिंक चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब तुम एक बार शेयर कर लो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि बात करो। नहीं बिल्कुल नहीं, बिग बॉस के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। कहीं ना कहीं तनुषा ने दूसरी फैमिली के ऊपर भरोसा किया और एक ब्रेकअप का न्यूज़ लाइक सुनते ही उन्होंने जब सुना कि ब्रेकअप हो रहा है एंड ऑल, जो फैमिली को इतना सपोर्ट किया, फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्या लगता है कि कोई और फैमिली पे ज़्यादा विश्वास करने से ज़्यादा अपनों पे विश्वास करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई फैमिलीज़ होती हैं जो आपको लाइफ टाइम में मिलती हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ऐसा बोल भी नहीं सकते कि नहीं सिर्फ अपनी ही फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हैं, लोगों में एम्पथी है, लोगों में दिल है, तुम्हारा क्या उनके साथ रिलेशनशिप है वो तुमको अच्छे से पता है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर किसी चीज़ को भी ब्लेम करना ईजी है, या किसी और की फैमिली को या खुद की फैमिली को ब्लेम करना ईजी है। जो स्टेप उन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया, फॉर विच आई रियली फील इज़ अ वेरी सैड थिंग, बिकॉज जैसे ही साल शुरू हुआ है और ये सब जो बातें बाहर आ रही हैं, इट डजन्ट फील गुड, नहीं अच्छा लगता देख के। जी, वेडिंग मैंने जैसे कहा,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक वेडिंग मेरे लिए दो लोगों का साथ में आना इज़ अ वंडरफुल थिंग. एंड उस पर अभी क्या खर्चे होंगे, कैसे होंगे और क्या तैयारियाँ होंगी, दैट्स नॉट माई कॉल एट ऑल. दैट जैसे फैमिली को ठीक लगे वैसे. मॉम्स हैप्पी, मॉम्स हैप्पी, डैड आई होप इज़ हैप्पी. एंड जो भी किया है उनके लिए किया है, सबकी खुशी के लिए किया है. सो आई थिंक यस. क्या हम आपको कोई नए शो में देखेंगे? यस यस 100% यस. इसकी बात करेंगे तो यस, काफ़ी शोज़ हैं जो आने वाले हैं 2023 में. काफ़ी ऐसे शोज़ हैं जो एक सोसाइटी को एक चेंज की ज़रूरत है, एक सोसाइटी को एक कुछ बातों की ज़रूरत है. आई थिंक वो सारी बातें आई एम गोना मेक श्योर दैट मैं अपनी जर्नी के थ्रू, अपने काम के थ्रू वो सारी बातें दुनिया तक पहुँचाऊँ. मैं तो बहुत खुशी से चाहूंगी. डांस शो तो कभी भी मना नहीं कर सकती, मैं खुशी से चाहूंगी. हाँ, फैंस के लिए यही मैसेज है गाइज, देखो जिंदगी है, जिंदगी बहुत कीमती है. एंड आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए आसपास. अगर आपको पता है कि किसी को कोई चीज़ की तकलीफ़ है, उनसे आप बात कीजिए. सो दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर यू गाइज. ऑनेस्टली आप लोग मेरा साथ तो देते ही हो, थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ सबका साथ दीजिए. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच.